अनाउंस हो कि पिंड गए हो किस तरह का रिस्पॉन्स है बहुत वधिया रिस्पॉन्स एक पिंड का कट है जिन्ने भी मेरा ख्याल है भी 70% आम आदमी 30% अकाली कांग्रेसी बीजेपी ये रहने लोगों का मन बनया आम आदमी ये जो मखोटा बदल रहे सिद्धू आ गया प्रशांत किशोर दी चाल चलनिया लोगों ने मन बना लिया बेकारी आम आदमी पार्टी में सी भाई वेखना वेखना भी की करना ये लोगों का जरा मन बदल गया बाकी आ सारे देख लो टोटल जिनी भी जनता है अज दूजा प्रोग्राम है मेरा पहले खराबगढ़ गया खराबगढ़ भी तुम फोटो पा रहा सारा सारा पिंड ये सारे अपने मनों आ गए पहलों से यूथ कली आम आदमी हम बजुर्ग सारे हम सारे बजुर्ग ये कहते आम आदमी वोट तो जो बजुर्ग कह देना घर का मुखी जो हैड आ जो उन्होंने मन च आ जाए वो तब्दील नहीं पर सारा सिद्धू आ जाए सिद्धू का बाप जो हल्का है पानी के डुबिया होया कि लगता बहुत वही थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि महसूस करते हो कि आश्वासन साढ़े हल्के डांगरिया पोतों में नदियों सिर्फ उन्होंने सफाई हो जाए ना ये जो पानी दो तीन तीन दिन रुकया एक दिन च साफ हो जाता सुधार मैंने करना वह मैं इतों का जमया पलिया इन्ना को मैं लफाफा लीडर नहीं है मैं जमया पलिया इतों का ये पानी जोड़ा है सारा हड्डिया पैलिया भी जाए मैं इन्होंने पैलिया ची जवान होया इन्हों पैलियों की हर एक समस्या का मैंने पता भी पानी का समस्या हल के इन्होंने जिन्हें पिंड सीवरेज पाए आने उल्ट बलो मार रहे बैक इन्हें दिमाग का दिमाग नहीं काम करता भी सीवरेज एक वेस्टिंग पानी यदा भी फायदा मीह कनी वास्ते इतने अमन नगर ला लो आ दूसरा बहादुरगढ़ कस्बा ला लो या दूसरे प्रोफेसर कलोनिया ला लो उन्हें तुम अज जा नहीं सकते किसी बजुर्ग में अच्छे कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी बंद प्रॉब्लम हो जाए ना उतो निकल सकते ना बन सकते वो कोई उन्होंने पानी का जिस तरह हम पानी आ गया मीह आ गया मीह की कोई रखी नहीं भी पैप भी जरा पानी नाल तो गोडे गोडे पानी के सोते इन्हों पता ही नहीं भी विकास कराई का किमें तो वह सिस्टम दूजन साधन के दो बच्चे मरे ने छत लिखण तुम भी उत्ते गए हो की लगता किस तरह की अणगहली है जी इन्हें कहली सरकार की सरकार ने 10 फुट का रास्ता 15 का छड़ा एक बने हॉस्पिटल बनाता एक बने लोगों के घर फिर चो 8-8 फुट 7-7 पानी खड़ा उन्हें नीह बोलियां करती सारे सारे मकान असं कल भी कह के आ जो मेरे को सरिया पुजा मैं देख के भी आया तो होर भी वो मदद करवा रहा सरकार ने भी लारा लाया भी 4 लाख मुंडे न 4 लाख कुड़ी का 95,700 मकान का दाम लारा आ जाओ दे देने फिर पता लग मैं एक सरकार को बेनती करता भी मरिया तो असं पैसे देने जे उ 5 लाख की मिट्टी पवा दो तो शायद हो नहीं जान बचे मेरे 30 घर आ 30 दे 30 घर डिग जाने तो फिर इन्होंने सारे पैसे दे हल्के होर भी यह जगह होनी है जितने डिग घर डिगता हो बहुत बहुत अच 5-5, 7-7 फुट सारे का पानी खड़ा हर एक स्कूल पानी खड़ा जोड़े स्मार्ट स्कूल दलां करते हैं गल्ला करते हैं केजरीवाल दराबरी पर अला लिखा लिखा स्मार्ट स्कूल 5,000 स्मार्ट स्कूल लिखा तो 12,000 कुछ समथिंग अपने पिंड मैनू दिखाओ भी एक पिंड छड के कि समार्ट स्कूल लिखा सिर्फ झूठ दिखना चाहिए जे इस पिंड झोना ज़्यादा होगा ना इस पिंड पराली के ढेर लग जाए वो अगला मतलब झोने वाला पिंड पराली लग जाता जे इस पिंड मझा ज़्यादा ना तो गुहारिया तो पता लग जाता भी इस पिंड मझा है तो जे विकास किया ना वो चमकदा लिखण की लोड़ नहीं इस ड्रामा कांग्रेस का हम खेड वास्ते सिद्धू साहब आ गए यूनिट की गल करते हैं 300 यूनिट माफ खर्चा 305 आ गई सिर्फ 5 यूनिटा के पैसे लगन ये लोग जो समझा रहे हो लोगों पर लोगों के पल फिर नहीं पै रही की कहना चाहते मैं जेडे अकाली कांग्रेस है ना वो कन्फ्यूजन पैदा कर जोड़े व्डे जिमीदार है वह सारा दिन जोड़े छोटे जिमीदार है 78% जिमीदार ने लाभ मिले 78% 301 तो बाद 1 रुपये का ही एक यूनिट का देना पैना जो 5 यूनिट यूज कर रही 5 का देना पैना अगले पहली तरीक तो फिर 300 यूनिट माफ 600 यूनिट बिल च माफ है बिल 2 महीने बाद एक महीने 300 जोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कल बिल आ जाने असी एक गल कई रिपोर्ट कार्ड लैके अगली बार आवेंगे जो झूठ बोलेंगे तो लोगों ने फिर पूछा
आम आदमी रिपोर्ट कार्ड की गल करती है जे ये आपके बाप दे कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड लैके लोगों की जाओ भी जो तेरे वादा किया घर घर नौकरी का जिस तरह बेबे मंगते मोबाइल मोबाइलों का या करजा माफी का भी असी करजा माफ करा चाहे थोड़ा आढ़ती का करजा थोड़े सोसायटिया का करजा प्राइवेट बैंकों का जो करजा माफ किया फर्ज बनता घर घर नौकरी जिन्हें पुछो किसी पिंड के बंदे नौकरी मिली है रिपोर्ट कार्ड लैके आन ये उन्होंने दम आ लीडर बदलना कुछ नहीं होना आदत बदलनिया पैनिया पार्टी सरकार ने खेत मजदूरों के बेजमीने कष्टकार के पैसे माफ करने की गल की एक्चुअल की चीज़ है ग्राउंड रिपोर्ट की कांग्रेस ने हाँ जी उदो तो वोटा लैनिया से उदो तो सारे उदो बाद कैटागिरी बना या कैटागिरी साढ़े केजरीवाल साहब ने सारा का 300 यूनिट माफ किया चाहे जरनल आ चाहे किसी को 100 किला चाहे किसी को 5 किले तो चाहे दो सारे बराबर अधिकार जो अधिकार देना सारे बराबर दे खेत मजदूरों की गल करिए पिंड रहने की लगता खेत मजदूरों सोसाइटी कि सारे खेत मजदूर हो किसी का माफ होया खेत मजदूर ही आ सारे किसान ही आ सारे तुम ए करो ना किसी दिन सारे चैनल वाले सदो उत्थे कांग्रेस भी सदो उत्थे अकाली भी सदो उत्थे असी भी लोगों को पब्लिक को मैसेज देवे तो सारे पब्लिक तो पुछो भी किन्न का खर्चा माफ तो कि सहूलत है रोजगार देने वास्ते जो थोड़ी जो सरकार आँगी है तुम्हें की वादा करते हो अपने हल्के साढ़े प्रपोजल बन रही 6 गरंटियां देनिया केजरीवाल साहब ने अजे पहली गरंटी वो 300 यूनिट माफी गरंटी है उस तो बाद जी नवी गरंटी आऊगी सारा कुछ तुम आप दस झूठ ना बोलिया ना बोलिया। थैंक यू।